सब्सक्राइब कीजिए वाही नंदशौरिया यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारा वीडियो पहुंचे आपके साथ सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाही धनसोरिया में। दोस्तों, आज का अपना वीडियो का टॉपिक है लेबर्स के ऊपर। जो लेबर्स एम्प्लॉयमेंट वीजे में कोई भी कंपनी में काम करने के लिए दुबई में आते हैं, यूएई में आते हैं। दुबई, यूएई, किधर भी आओ, मतलब यूएई का सात पार्ट है। यूएई एक यूनाइटेड अरब अमीरात, उसमें सात स्टेट है, तो दुबई भी उसका एक पार्ट है। तो जो भी बंदा जिधर भी काम करने के लिए आता है यूएई में या गल्फ में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको सीखने को मिलेगी अगर आप यूएई आ रहे हो तो, या गल्फ में किधर भी जा रहे हो तो। सबसे पहली बात, अगर आप आ रहे हो तो स्टार्टिंग में आप आने के टाइम में जब भी आते हो अपना एजेंट से जो भी सैलरी का डिस्कशन करते हो, उससे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है। उधर एजेंसी वाला एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको पहले चेक कर लेना चाहिए उसमें सैलरी कितना है और आपको एजेंट सैलरी कितना बता रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी आपका एकदम सही है तो आपको ओके, मतलब जो उतना ही सैलरी आपको इधर कंट्री में आके मिलेगा। अगर आपको एजेंट झूठ बोल के बताता है आपको सैलरी 1500 मिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट में 1000 है, तो आपको 1500 नहीं मिलेगा, 1000 ही मिलेगा, सही है ना। तो कुछ कुछ एजेंट्स ऐसा चीटिंग करते हैं, तो वो बात से सबसे पहले आप संभल के रहिए, सही है। फिर आप जैसे ही यूएई में इंटर होते हो, आपको कंपनी का ड्राइवर आएगा एयरपोर्ट से लेने के लिए और लेके आपको कैंप में लेके जाएगा। जिधर भी अकोमोडेशन होगा उधर कंपनी का अकोमोडेशन में लेके जाएगा और आपको कंपनी अलग अलग कंपनी स्टार्टिंग में अलग अलग कंपनी का अलग अलग हिसाब है। कोई कंपनी स्टार्टिंग में कोई भी आदमी नया बंदा आता है ज्वाइन करता है तो उसको कोई कंपनी 300 दरम देती है एक्स्ट्रा, यानी एडवांस में देती है खाने के लिए, और कुछ कंपनी 200 दरम देती है एक महीना के लिए एडवांस में। फिर एक महीना के बाद में आपका सैलरी आ जाता है और 300 दरम आपका कुछ कंपनी एक साथ में काट लेती है, कुछ कंपनी 150-150 करके दो बार काटती है, कुछ कंपनी 100-100 करके तीन बार काटती है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल है, वो ऐसा है, सही है दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट ये है, आप कंपनी में ज्वाइन करने के बाद में साइट पे जाते हो, साइट पे आपका काम स्टार्ट होता है। पहला दिन आप जाओगे तो उसी साइट पे आपको सेफ्टी इंडक्शन होगा, सेफ्टी वाला इंडक्शन देगा साइट पे क्या क्या एक्टिविटी है, काम कैसे करना है, वो पूरा आपको डिटेल आपको बताएगा। फिर साइट पे टाइम कीपर होगा, वो आपका नाम डिटेल पूरा लिख के एंटर करके आपका अटेंडेंस करेगा। फिर डेली बेसिस में वो सेम चलेगा, आपको सुबह जाना है अटेंडेंस कराना है अपना, फिर अपना फोरमैन या चार्जर के साथ में काम करने के लिए लग जाना है, वो आपको काम बताएगा, वो काम आपको करना है। लेकिन दोस्तों, कभी भी गल्फ में आप अगर आ रहे हो तो लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा इधर करोगे तो बहुत, यहाँ का कानून थोड़ा स्ट्रिक्ट है, सख्त है, तो उसमें आपको उलझन हो सकती है, इसलिए लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। हो सके तो जितना लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे आपको जो भी काम बताया जाता है वो काम आपको करना पड़ेगा। जो भी आपका फोरमैन है सार्जेंट है उसके साथ आप लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं कर सकते, लपड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग आपका सुपरवाइजर है, सीनियर है, आपको काम बता रहा है, आप उसको काम को करना है। अगर आप लड़ाई करोगे या कुछ लपड़ा करोगे, काम नहीं करोगे, तो उसके बदले में आपको वार्निंग मिल सकता है, वार्निंग मिल सकता है प्लस पेनल्टी भी लग सकती है। पेनल्टी लगेगी तो आपका थोड़ा सैलरी है और उसमें पेनल्टी लगा दी जाएगी तो आपका मुश्किल हो जाएगा ना, सैलरी में वो डिडक्शन होके आएगा, फिर आपको खाने के लिए दिक्कत आएगा, घर में भेजने के लिए दिक्कत आएगी, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, सही है ना। इसलिए सबके साथ मिलजुल के रहना है और रूममेट में भी कभी भी लपड़ा नहीं करना है, कैम्बोस के साथ किसी के साथ कुछ भी लपड़ा नहीं करना चाहिए। आपको रूम में हो सकता है किसी रूम में 5 आदमी भी रहता है, किसी रूम में 10 आदमी भी रहता है, तो अलग अलग जगह का आदमी भी रहता है, सेम स्टेट का सेम पैलेस का आदमी नहीं रहता है, कभी कभी दूसरा कंट्री का आदमी भी आपके साथ में रहता है, सही है ना। तो उनके साथ में भी सेम दोस्त भाई की तरह व्यवहार रखना चाहिए, अपना रूममेट है, अपना दोस्त है, भाई है, सेम वैसा ही रहना चाहिए, किसी के साथ लपड़ा नहीं करना चाहिए। अपना आना है, ड्यूटी जाना है, खाना है, पकाना है, घर पे बात करना है, सो जाना है और रूटीन रखना चाहिए। यहाँ पे आके किसी के साथ लपड़ा करोगे तो बहुत मुश्किल हो सकता है और कंपनी आपको इमिडिएट बेसिस पे टर्मिनेट भी कर सकती है और आपको कुछ भी सर्विस बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर आप कुछ लपड़ा करते हो, आपको अगर कोई कंपनी में 10 साल हो गए या 15 साल हो गए, 20 साल हो गया काम कर रहे हो, फिर आप सोचते हो अभी मेरा बहुत सर्विस का बेनिफिट ग्रेजुएटी मिल जाएगा, तो अगर आप कभी भी लपड़ा करते हो, कंपनी के कोई भी कानून के खिलाफ आप काम करते हो, कोई भी कंपनी है या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, तो आपका पूरा कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी,
और आपका 20 साल का जो भी सर्विस बेनिफिट बनता ना, ग्रेजुएटी बनता, और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आपने जितना महीना काम किया है, सैलरी अगर आपका कुछ बाकी है तो वो मिलेगा, लीव सैलरी बाकी है तो वो मिलेगा, ग्रेजुएटी कुछ नहीं मिलेगा। 20 साल का ग्रेजुएटी आपका ऐसे ही चला जाएगा, बहुत सारा बड़ा लॉस हो सकता है आपको। इसलिए सबसे ज़्यादा ये बात पे आप फोकस रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा करने से बचे, और कंपनी का जो भी नियम है, कानून है, वो कानून को फॉलो करें। आखिर बहुत कंपनी में, कैंप में बहुत सारे कानून होते हैं, वो कंपनी का ओन पर्सनल कानून है, कंपनी का लो रूल एंड रेगुलेशन है, वो आपको फॉलो करना चाहिए। बहुत कंपनी में यहाँ पे गेस्ट को, यानी अपना भाई मेहमान किसी को भी आप रूम में रख कर रख नहीं सकते, ओनली वो आ सकता है आपसे मिलके वापस जा सकता है। रूम में रहना, सोना अलाउ नहीं है, रात भर रुकना ऐसा अलाउ नहीं है बहुत कंपनी में, और बहुत कंपनी में कोई केयर नहीं करता है, ऐसा आता है जाता है ऐसा है। इधर दुबई में बहुत सारा ऐसा कंपनी है, लेकिन फिर भी जो कंपनी में स्ट्रिक्ट है कानून है, वो उस कानून को आप फॉलो करना चाहिए। और जो भी कैम्प बॉस आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कैम्प में ऐसा ऐसा एक्टिविटी रखो, तो आपको वैसा ही रखना चाहिए, न कि आप उसमें उल्लंघन करना चाहिए। कैम्प का जो भी कानून है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तो आप सेफ रह सकते हैं। और अगर आपको कोई भी और जानकारी, अधिक जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, हम आपका कमेंट का जरूर जवाब देंगे, और उसके बेस पे वीडियो भी बना के आपको बता देंगे, और कमेंट में भी आपका रिप्लाई कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये थोड़ी बहुत जानकारी अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।